Hey guys, welcome back to my channel. तो कैसे हो आप सब? I hope आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे. जितने भी लोग इसको देख रहे होंगे, मेरे इस व्लॉग को, I pray कि वो सब बहुत बढ़िया हों. और अगर उनका YouTube चैनल है तो उनका भी चैनल ग्रो करे और साथ में मेरा भी करे. तो इधर मैंने पिछली वीडियो में डाला था ना उनकी उनकी धुलाई वगैरह, तो यहाँ पे अभी बस दो दिन बाद सूख चुके हैं. तो बस अब यहाँ पे कर रही हूँ मैं. और अन्नी को भी दिखाओ, खाती तो दिखा दिया अन्नी की मस्ती. तो बस ये देखो कैसे ऐसे लिया, खुश हो रही थी. बस ये था कि अच्छी अच्छी से धूप भी निकली हुई थी और मॉर्निंग का टाइम था वही 11 बजे के समथिंग, 10:30 से 11. अरे गिर मत जाना ये अन्नी. और नहीं तो वो रहती है ना, तो बस वो कहेगी मम्मी मुझे भी करना है. अभी मैं ना जब जो वीडियो डालूंगी ना उसमें दिखाऊंगी, वो जब 2 साल की 2.5 साल की थी ना तब भी वो ऐसे ही मेरे साथ लगी रहती थी काम करवाने के लिए, मम्मी मुझे भी करना है, मम्मी मुझे भी करना है. मैं बस उसके आने से पहले ना मैं ये कर लूँ, नहीं तो वो तो सच्ची में मुझे करने ही नहीं देती है. वो कभी कुछ लेके भगेगी, कभी कुछ लेके भगेगी. और पता है क्या आदत है, गेहूँ भी मुंह में डाल के खाने लगेगी. कितना भी उसको मना करूँगी पेट दर्द करेगा ये वो, लेकिन ऐसे करेगी, साफ भी करवाएगी साथ में. वही है कि करवाती तो है पर इरिटेशन होती है, तो इसलिए मैंने कहा कि दो वो नहीं है ना, मैं जल्दी जल्दी से अपना काम कर लेती हूँ. और अम्मी मुझको कैसे देख रही है कि मम्मी क्या कर रही है. तो बस ऐसे करके हो गई है, हो जाएगा धीरे धीरे साफ. अब फिर उसके बाद जो ब्लॉग काम है वो किया जाएगा. तो अभी अन्नी के साथ, मतलब अन्नी को मैंने दिखा दिया था ना, लेकिन उसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ. मुझे तो ऐसा लगा कि अन्नी मेरे साथ है तो सो भी नहीं रही थी, क्योंकि भाई 8 बजे सो के उठी थी, 2 घंटे में क्या ही सोती. और मुझे पहले पहले इसको साफ भी करना था. तो बस तो हुआ ये कि मतलब खैर धूप में ही बिठाया था, लेकिन पता नहीं क्यों इसको मैं जब शाम हुई ना तो अगले सुबह ये जब सोकर उठी है तो इसको मतलब खांसी जुकाम बुखार उल्टी मतलब सब कुछ हो गया. और अभी तक इसका ना सही नहीं हुआ है. सच में बड़ा दुख होता बच्चे अगर बीमार वगैरह पड़ जाते. तो इधर ये जो भी निकला ना इसमें से, तो ये जो छत्ते पे गिर जाते हैं सुखाते हुए या उठाते हुए गेहूँ को, तो ये सब मैं अब देखो मैं क्या करूँगी. ज़्यादातर लोग तो इसको फेंक देते हैं क्योंकि ये गाय वगैरह को भी नहीं दे सकते क्योंकि कंकड़ मिल जाते हैं. मैं इसका क्या करती हूँ ये आप देखो, आगे व्लॉग में बने रहो. देखो मैं इसका क्या करती हूँ, बहुत ही अच्छा सा उपाय किया है मैंने इसका कि कंकड़ जो था थोड़ा बहुत निकाल दिया, जो उसके नीचे की गंदगी थी वो भी निकाल दी मैंने. और अब इसमें ना वो छोटे छोटे से जो गेहूँ नहीं होते जो दलिया जैसे वो हैं, और जो थोड़ा सा छत पे गिर गया था वो है, जो हाथ से उठा पाई उठा के मैंने रख दिया उसी में. लेकिन अब जो नहीं हुआ तो फिर इसी में. अब ये है ना कि जो चीज़ गिर जाती वो भी किसी के नसीब का ही होता है. तो ये देखो मैंने क्या किया, मैंने रख दिया है छत पे. अब आके ना इसको चिड़िया वगैरह खा लेंगी. तो अभी देखते जाओ कैसे चिड़िया भी आ जाती हैं. और एक बार तो ऐसा हुआ था मैंने ना छत पे सुखाया और सच्ची में चिड़िया ही आधा से ज़्यादा गेहूँ खा गई थी. तो ये देखो इधर कितना प्यारा लग रहा है ना. और ऐसे अगर हम किसी को कुछ देते हैं जानवर को, चिड़िया हो या वैसे जानवर हो, हमारे दिया कुछ खाते तो कितना सुकून सा मिलता है ना. तो देखो यहाँ पे ये सब खाने के लिए आ गई हैं. पानी इनका मैंने नीचे वाली फ्लोर पर रखा है और इधर खाने का. तो बस हो गई इन लोगों की पार्टी. बताओ जल्दी से फिर उसके कहाँ गई थी. ये नेक्स्ट डे का व्लॉग कहाँ गई थी, इसमें ये गई दवाई लेने. मैं दवाई लेकर आई, ये दवाई लेने गई थी. टीचर बाबा दवाई लेने गया था, बाबा दवाई लेने गया था. इधर बस फोन चाहिए, इसको फोन चाहिए, फोन बस ना फोन ही चाहिए होता है, फोन ही लेती. अन्नी ये क्या पहनी हो तुम, ये क्या है, ये क्या पहनी हो हैं, ये क्या पहना है बाबू, सॉक्स पहनी है, सॉक्स क्या है ये,
हनी पिजन कहाँ है? हनी पिजन कहाँ है? पिजन वहाँ पे। तो आज मैंने बनाया है कुछ स्पेशल जो कि मुझको बहुत पसंद है। किस किसको पसंद है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना। मैं तो सच में जब भी मैं शादी में जाती हूँ ना, मीठे में गुलाब जामुन और ये गाजर का हलवा। कितने भी हलवे हों, कितनी भी मिठाइयाँ हों, बस गाजर का हलवा और गुलाब जामुन मैं जरूर जरूर खाती हूँ। मुझे ना गाजर का हलवा बहुत पसंद है। तो आज ना मैं ये दूसरे तरीके से बना रही हूँ। वैसे मैं कद्दूकस करके बनाती हूँ, बट आज ना मैंने कहा दो ये भी तरीका देखती हूँ। तो बस मैंने इसको पतला पतला कट कर लिया है और वॉश करके रख लिया अब इसको। और पता इसमें एक स्पेशल बात क्या है कि मेरे पास घी भी नहीं था। अब घी का क्या मैं वेट करती, मैं तो खाना था तो खाना था, आएगा तो बिना घी के भी बना के देखते। तो बस इसको उबाल दिया है। ये इसको देखते तो ऐसा ही लग रहा था कि ये मैश नहीं होगा, बट ये देखो कितना बढ़िया से मैश हो रहा है। ये सच में बड़ा ही अच्छा लगा जो कि अच्छे से एकदम मैश हो गया। और पता है इसमें ना पानी भी नहीं, मतलब एक तरीके से ना गैस की बचत भी हुई। नहीं तो कढ़ाई में बनाओ ना तो बहुत टाइम लग जाता है इसका पानी वगैरह भी सूखाने में। तो अभी आगे देखना इसका पानी भी ना कितने अच्छे से सूख जाता है। तो इसमें मैंने ऐड कर दिया है शुगर, चीनी और जो खोवा मंगाया था वो भी मैंने इसमें ऐसे ही डाल दिया है। तो बस मैश हो जाएगा ये इसमें बढ़िया से। तो काफ़ी सिंपल तरीके से बना है लेकिन काफ़ी यम्मी बना है। देखो कितना यम्मी सा लग रहा है।